हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपके एसएससी जीडी के 45,000 से अधिक भर्ती के लिए, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है, आपको ही पता होगा। तो दोस्तों, उसमें मेनली बात यह है, जिसकी 30 तारीख लास्ट डेट थी। तो सिंपल सी बात आज मैं आपको ये बताने हूँ कि आपका जो बहुत से लाखों बच्चे फिर भी फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि एसएससी गलती की वजह से। उसका सिंपल रीज़न ये था, क्योंकि एसएससी कहीं ना कहीं, मैं बता दूँ, एक हफ्ते पहले उनकी साइट चलनी बिल्कुल बंद हो गई थी, तो इसलिए लाखों बच्चे फॉर्म से वंचित रहे। दोस्तों, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे या जो भी। दूसरी बात, आपको कुल कितने फॉर्म भरे, इसके बारे में आप टोटल बताने वाला हूँ स्टेट वाइज, ये आपका कितने फॉर्म भरे गए हैं टोटल, एंड साथ ही साथ आपका हर एक कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको हर एक वीडियो एसएससी जीडी से रिलेटेड दे रहा हूं, और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुल कितने फॉर्म भरे गए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों आपको पता था, वैकेंसी पिछली बार से जस्ट डबल थी, 45,000 वैकेंसी थी, और पिछली बार कुल 24,000 के आसपास वैकेंसी थी। ठीक है, 24,000 में आपके 76 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक है दोस्तों, तो उसी हिसाब से बड़े बड़े यूट्यूबर भी आपका अंदाज़ा लगा रहे थे कि अब की बार फॉर्म 1 करोड़ के पार चले जाएगा। क्योंकि दूसरा रीज़न एक ये भी था, अब की बार एज लिमिट में भी छूट दी गई थी, जहाँ पे जनरल को कुल 18 से इतनी मिलती है, वहाँ पे 3 साल एज लिमिट की छूट दी गई जनरल को। ठीक है, तो उसको कहने का मतलब सब यूट्यूबर अंदाज़ा लगा रहे थे 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे। मैंने साफ साफ पहले ही कह दिया था कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये जब आपका डाटा आएगा जब ही पता चलेगा। तो दोस्तों, उससे बिल्कुल उलट हुआ, फॉर्म उससे बहुत कम भरे गए। मैं बता दूं, आपका कुल 54 लाख फॉर्म भरे गए। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी वैकेंसी में कुल 54 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जबकि पिछली बार वैकेंसी इससे आधी थी और फॉर्म 76 लाख भरे गए थे। तो कहने का मतलब कंपटीशन बहुत कम है, जान लगा दो 1.5 महीने पूरा जम के, ताकि आपका 100% चांसेस आपका नंबर आ जाए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी कोताही मत बरतो, इसमें नंबर आराम से आ जाएगा। एक वीडियो अलग से कट ऑफ की बना दूंगा सेपरेट, कि कितने मार्क्स पर आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, बात रही कैटेगरी वाइज, तो चलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज आपका डाटा है टोटल फॉर्म का, 54,15,938 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें एससी में इतने फॉर्म हैं, एसटी में इतने हैं, ओबीसी में सबसे ज़्यादा भरे गए हैं 23,71,606, और अदर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के भरे गए हैं 8,66,650। ठीक है दोस्तों, आप खुद अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब अब क्या यार, बहुत एक अजूबा हुआ है कि अदर वाले में, मतलब जनरल वाले बच्चे कम भरे हैं फॉर्म, और ओबीसी के बच्चे ज़्यादा भरे हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन का भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो आई होप आपको डाटा पता चल गया होगा, बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 54 लाख पिछली बार से बहुत ज़्यादा कम है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मेनली जो बात कर लेते हैं, अगली बात यही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, मेनली आपको अब घबरा के नहीं चलेगा काम, 1.5 से 2 महीने पेपर के बचे हैं। पिछली बार इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन था, जब भी बच्चों के नंबर आए हैं। ठीक है, और की और तो वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा है, अगर ज़रा सी मेहनत कर लोगे नंबर हमेशा आएगा। एक बात है, बहुत से बच्चे बुक पूछते रहते हैं, तो मैंने बुक काफ़ी बार बता चुका हूँ, फिर से अब की मैं आपको बता देता हूँ बुक के बारे में। अगर आप उस बुक को रिपीट बार बार रिपीट कर लोगे, तो आपका सिलेक्शन 100% होकर रहेगा। तो चलो आप वो उस बुक के बारे में देखिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि आपकी है चक्षु प्रकाशन के। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक है। मैं आपको बता दूँ, जो इसमें क्या कहते हैं, अंदर जितना भी आपका मटेरियल है, वो बिल्कुल अप टू द पॉइंट है। मैं आपको इसलिए ही आपको ये बुक रिफ़र कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इस बुक की मैं आपको दोस्तों खासियत भी बता देता हूँ। इस बुक में आपको जो मिलेगा, आपके 2800+ बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। और ये जो आपका है, इसमें आपका ये गाइड का फ्रंट पेज है, जिसमें आपका 2800+ बहुविकल्पीय प्रश्न। साथ ही साथ मैं बताऊँ दोस्तों, जो भी आपका नया पैटर्न पर सिलेबस बना है एसएससी जीडी का इस बार, उसी पर ही ये बुक आधारित है, उसी से ही लेके चले हैं। जो कि जैसे भी अपना जो नया सिलेबस आया है, उसी को इन्होंने चक्षु प्रकाशन जो SRR पब्लिकेशन की, इन्होंने अपडेट करी है। ठीक है दोस्तों, एंड बेस्ट बुक है। तो चलिए दोस्तों, इस बुक के बारे में आपको आगे बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले 25-25 मार्क्स के थे, बट अब इन्होंने जो SSC GD वालों ने 20-20 मार्क्स के कर दिए, तो ये बुक्स भी नए सिलेबस पे ही आपका अपडेट कर दिया। टोटल 80 प्रश्नों की संख्या और 160 अधिकतम अंक। बाकी दोस्तों, बुक बहुत बेस्ट है एसएससी जीडी के लिए, और टू द पॉइंट बुक है। और जो आपका सिलेबस है, अगर आप इसे कर लेते हो, तो आपको बहुत अच्छा इससे आपको रिजल्ट आएगा, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगी। बाकी मैं आपको बता दूं, इसकी आपको गाइड भी मिल जाएगी, उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ।
तो ये दोस्तों इसकी गाइड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूँ, अगर आप इस बुक को साथ साथ ये गाइड भी कर लेते हो तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है और 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये बुक अगर आपको लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और साथ ही साथ आपके नज़दीकी जो आपके ऑन स्टोर्स हैं, ऑफलाइन अगर आपको खरीदनी है, ऑनलाइन नहीं खरीदनी, तो आपके नज़दीकी दुकानों पर भी ये बुक मिल जाएगी अगर आप इसका कवर पेज दिखा दो। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं, क्या फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया, SSC की साइट ऑफ हो गई थी एक हफ्ते पहले, और लगभग 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे के आसपास फॉर्म नहीं भर पाए थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, इसलिए फॉर्म 54 लाख भरे गए, यानी ये फॉर्म 55 लाख के पार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसमें 50% स्टूडेंट की भी गलती है कि फॉर्म स्टूडेंट लास्ट में क्यों चला, जबकि मैं शुरू से कह रहा था और सभी यूट्यूबर्स कह रहे थे कि बच्चों को जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो भरना शुरू कर देना, बट लास्ट में कोई बात नहीं। बट मेनली मैं सबसे ज़्यादा गलती SSC GD वालों की मानता हूँ। उसका एक रीज़न ये है, साइट इसलिए भी क्योंकि वैकेंसी एकदम से इंक्रीज कर दी गई, तो बहुत सारा बच्चा उसमें चला गया एकदम से साइट पे, और साइट नहीं चली एक हफ्ते तक। ठीक है, तो SSC वालों को ये बात सोच के और एक हफ्ता और एक्स्ट्रा देनी चाहिए थी। तो दोस्तों अब से ही मैं आपको ये बता दूं, आपके जो दोबारा फॉर्म रीओपन हो सकते हैं, देखो इसका मैं बता दूं आपको, अभी भी 50-50 चांसेस। उसका एक रीज़न मैं बताता हूं, आपका करेक्शन विंडो डेट ओपन की एक नोटिस आया था SSC की तरफ से, तो करेक्शन विंडो डेट जैसे ही ओपन होगी तो क्या पता SSC GD आपका फॉर्म डेट भी एक्सटेंड कर दे। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं बता दूं, आप ट्विटर पर लगातार ट्वीट जरूर करते रहना, है ना। ठीक है, क्योंकि ट्विटर से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो ट्विटर पे जितने बच्चे आप ज़्यादा ज़्यादा ट्वीट करो उतना ही फर्क होगा। आज मैं देख रहा था ट्वीट बहुत कम हुए हैं कल के मुकाबले, परसों और भी ज़्यादा हुए थे, तो लगातार आपके बच्चों के ट्वीट घटते जा रहे हैं, ये बात गलत है, आपके बढ़ने चाहिए थे ट्वीट। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का सरासर ध्यान रखो। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।